उसको आज हम लोग आए हैं धनवाल, जो कि भैया से मिलने के लिए आए थे। आप लोग हम लोग शूट किए हैं ऑलरेडी, वो आप वीडियो देख लेना और लिंक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। और आज के हमारे चीफ गेस्ट हैं डांसर सनातन भैया। तो सबसे पहले स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। और हम चाहेंगे कि सबसे पहले थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रो दे दीजिए, बट आप तो ऐसे ही काफ़ी पॉपुलर हैं, बट कोई नहीं, थोड़ा बहुत अपना छोटा सा एक इंट्रो दे दीजिए, उसके बाद हम लोग आपके बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो आप सभी को जोहार प्रणाम, इट्स मी डांसर सनातन। और बस आप लोग जो कि डांस के थ्रू से हमें जानते हो, सोशल मीडिया पे ये और देखने को मिला होगा, तो वही हमारे सबसे बड़ा पैसा है। और दूसरा आप ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं ऐसे भैया। जोहार का मतलब क्या होता है? नमस्कार होता है ना? हाँ जी, जोहार का मतलब झारखंड में सबको जोहार मतलब प्रणाम। भैया ऐसे आपको कितना दिन हो गया ऐसे यूट्यूब पे काम करते हुए? ऐसे यूट्यूब पे तो मैं वही टिकटॉक के बाद ही आया हूँ, टिकटॉक के बाद। और उसके बाद सोच रहे थे कितना होगा होगा, जब बैन हुआ उसके बाद फिर यूट्यूब पे एक्टिव हो गया। के बाद अभी ऐसे आपके कितने चैनल हैं? ऐसे अभी ऐसे हमारे 3 चैनल हैं। 3 चैनल? अच्छा, सबसे मेन डांसर सनातन। हाँ, मेन डांसर सनातन। हाँ, एक पेक का चैनल है और सिस्टर का भी है, दो इनका एक उनका, 3 चैनल है। 3 चैनल है, क्योंकि होता है ना एक बैकबोन हम अपना बना कर रखे हैं कि कभी कुछ होता है कि जैसे कि एक बार हुआ था स्ट्राइक आ गई थी, तो जिसके चलते वीडियो अपलोड करना मुश्किल हो रहा था, तो मैंने दूसरा चैनल पर फिर वो वीडियो बना के डाला ताकि सबको पता चला उससे। और यदि हो सके नहीं रहता तो कहाँ हम बताते सबको। हाँ, एक हफ्ते के लिए बंद हो जाता है, एक हफ्ते के अनएक्टिव रहना मतलब अजीब सा लगता है। और दूसरा सिस्टर का चैनल बना दिए ताकि वो अपने में डिपेंड रहे, मेरे पे डिपेंड ना रहे। इसी कारण दो ऐसे ब्लॉगिंग का है, नहीं दो ब्लॉगिंग का है, एक टेक का है। हाँ, मतलब टेक का है वो, अभी तो टेक सब अभी सब कुछ मिला हुआ रहता है उसपे, क्योंकि ज्यादा टेक नहीं डालते हैं। अच्छा भैया, ये बात आप बोले तो हमको एक अपने चैनल के बारे में पूछना है। ऐसे हम शुरुआत किए थे टेक्निकल रिलेटेड, ठीक, बट वो चला नहीं, तो अभी हम उस पर ब्लॉगिंग और इंटरव्यू टाइप के कंटेंट अपलोड करते हैं, तो क्या कटघरी चेंज करने से चैनल पे इफेक्ट पड़ता है कि नहीं? LRD आप काम कर रहे हैं तो आपको पता होगा इस चीज़ के बारे में। हो सकता है, बट वो जब आपका ऑडियंस ज़्यादा मात्रा में उसका होता, अभी नया ऑडियंस है उसमें आप यदि चेंज करते तो उसे कुछ दिक्कत नहीं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा ऑडियंस आ रही तो कुछ दिक्कत नहीं, लेकिन जब एक जैसा ऑडियंस बन जाएगा और उसमें आप यदि कैटेगरी चेंज करते हो तो फिर दिक्कत हो सकती है। नहीं, कई लोग कहते हैं मिस कंटेंट अपलोड करने से आपके व्यूज कम आते हैं, यहाँ इस चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, लेकिन उतना भी नहीं पड़ता है, छोटा स्मॉल। अभी हम लोग शुरुआत करें, आगे बढ़ें, जब मिलियन सब्सक्राइबर लाख में रहेगा ऑटोमेटिक सब चेंज करने में दिक्कत आती है, लेकिन एक चीज़ और भी है कि जब ज्यादा सबके बढ़ेगा तो कोई चेंज ही नहीं करेगा, क्योंकि ऑलरेडी उसमें व्यूज आ रहा है, तो फिर चेंज करने क्या मतलब, जब व्यूज नहीं आता तभी तभी नहीं नहीं फिर भी होता है कि नहीं नहीं कुछ देखा है इसको, उसको देख के भी लोग बहुत फॉलो करते रहते हैं, देखा देखी भी करके लोग कर रहे हैं, अरे यार 30,000 ही 20,000 है, इतना मेहनत करते हैं वो वीडियो ऐसे बनाता है 1,00,000+ आ रहा, तो चल हम भी चेंज कर देते हैं। एक्चुअली और लोग कई लोग एक्सपेरिमेंट अपने चैनल पर करते रहते हैं, जो हट हट के काम करते हैं, एक नहीं तो ये चल जाएगा। कई लोग एक मुझे धसान काम करते हैं, जो कि भोजपुरी में बोला जाता है, जो करो वही करो। मेरे एक दोस्त हैं जो कि हम उनका नाम नहीं लेना चाहेंगे, वे शुरू से वही काम किए हैं, टेक से रिलेटेड बनाते रह गए, और हम थोड़ा बहुत हट के काम किए, एक्सपेरिमेंट किए, तो थोड़ा बहुत उनसे काफ़ी मतलब लगता है कि एक ग्रोथ हुआ। अभी उनके 10K+ हैं, मेरे 20K होने वाले हैं, तो ये चीज़ है। तो मैं चाहूंगा अगर जैसे आप एक टॉपिक पे काम करो तो दूसरे टॉपिक को एक बार देखो कि हाँ उसमें कहीं आपका चल जाए, ये थोड़ी है कि ये काम करो तो यही क्यों चलेगा आपका, मतलब एकदम ही टॉपिक डिफरेंट नहीं होना चाहिए। हाँ, थोड़ा उससे मतलब मिलता जुलता हूँ, एक्सपेरिमेंट हो, जब का टेक का चल रहा था टेक से रिलेटेड ही कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेरिमेंट कीजिए उसमें, वैसे कुछ कीजिए, अचानक टेक के चैनल पे कॉमेडी डालना शुरू कर दीजिए तो फिर वो दिक्कत होगा, प्रॉब्लम होगा। चलिए, तो हो गया मेरे चैनल के बारे में। अच्छा भैया, मतलब काफ़ी टिप्स लोग बताते हैं यूट्यूब पे कि चैनल ग्रो करने के लिए ऐसे करो ऐसे करो, क्या कोई इसके लिए कोई टिप्स हो या सेटिंग हो, ऐसे कुछ होता है कि बस ऐसे कहा जाता है? नहीं नहीं देखिए, ऐसे कुछ टिप्स तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे कुछ होता है। जी जी ठीक है, बाकी कुछ है कि लोगों को फॉलो करना भी होता है, कि किसी को वीडियो देख के भी आप फॉलो कर सकते हैं कि क्या कमी है उसके वीडियो पर, मेरे क्या कमी है, यही है और कुछ नहीं। एक चीज से मतलब आप किसी को देख के उसको इम्प्रूव कर सकते हो ना, कि कोई सेटिंग करने से आपका चैनल ग्रो नहीं हो जाएगा? सेटिंग करने से यदि होता तो ना जाने कितने लोग क्या क्या सेटिंग करके बैठे हुए, तो लोग भी कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं। हमको लगता है चैनल ग्रो करने के लिए दो रीजन होना चाहिए, एक तो टॉपिक यूनिक होना चाहिए, अथवा वीडियो का क्वालिटी होना चाहिए। अभी जैसे कंपटीशन बढ़ रही है उसके हिसाब से क्वालिटी होना बहुत जरूरी है। अब देखिए, ब्लॉगिंग के क्षेत्र में चाहे टेक रिलेटेड काफी, एक क्षेत्र में काफी क्रिएटर है,
अभी आप ब्लॉगिंग में देखा जाए तो सरोज जोशी सब नंबर वन है कि नहीं, इससे पहले आपके फ्लाइंग भी सर थे। तो होता है, एक बंदा अपना इम्प्रूव नहीं करेगा तो वो एक दिन जाके उसका चैनल डेड हो जाएगा या रुक जाएगा, उससे आगे कोई बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और सभी कंपटीशन में लगा हुआ, सब मेहनत कर रहे हैं। हाँ, एक चीज है, बहुत लोग हमेशा कुछ कब कौन आगे बढ़ जाए पता नहीं, पता नहीं। तो अगर आप चैनल ग्रो करना चाहते हो तो भैया का कहना यही है कि आप अपने चैनल पर थोड़ा यूनिक कंटेंट अपलोड करो, नए करो और मेहनत करो, मेहनत सबसे रेगुलर रहो। रेगुलर रहने से तुम्हारा क्या होता है, वही एक्सपीरियंस तुमको आगे बढ़ने में मदद। जी तो ये जो चीज़ें हम लोग बात किए हैं ना कि पर्सनल चीज़ें थी, हम लोग चैनल से रिलेटेड किए क्योंकि भैया ऑलरेडी एक हमारे गुरु के तौर पर हैं, काफ़ी महान हैं और इतना अब सब्सक्राइबर हिट करना हम लोगों के लिए एक ड्रीम है, ये लोग कर चुके हैं। तो ये चीज़ें मतलब फेस टू फेस मिलने पे काफ़ी अच्छा लगता है, जो कि आप इनके स्टूडियो में देखो सिल्वर बटन गोल्ड बटन वे सबको नहीं मिल जाता है ऐसे ही, तो उसके लिए काफ़ी आपको मेहनत करना पड़ता है। भैया ऑलरेडी करके वो चीज़ मुकाम हासिल किए हैं, तो अगर आप भी करना कुछ ऐसे चाहते हो तो मैं चाहूँगा आप अवश्य करो और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करो। भैया मैं चाहूँगा दो लाइन उनके लिए कुछ कहिए जो नए यूजर हैं और मतलब इस प्लेटफॉर्म पर आना चाहते हैं, आपके नज़रिए से प्लेटफॉर्म क्या लगता है अच्छा है कि नहीं, और आप अन्य लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे अपने माध्यम से। प्लेटफॉर्म तो अच्छा है क्योंकि सभी लोग अभी यूट्यूब पे जुड़ने का क्या कारण है, कुछ तो है ना इसमें। जी इसमें क्या है कि आप अपना कुछ भी जानकारी या टैलेंट हो वो दिखा सकते हो, लोगों को शेयर कर सकते हो। और बाकी यही है कि देखो जितना मेहनत करोगे उतना ही मिलेगा, ठीक है, उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट कभी कभी करना। जब भी शायद आपके चैनल नहीं ग्रो हो रहा है तो शायद मेहनत कमी हुई है, कुछ तो मेहनत एक जैसा नहीं होता है ना, तो थोड़ा अभी क्या बोलते हैं स्मार्ट तरीके से मेहनत करना, हार्ड वर्क करने से हार्ड वर्क से नहीं चलने वाला, यूट्यूब पे हार्ड वाला नहीं चलने वाला है, सब स्मार्ट वर्क ही चलेगा तभी जाके कर सकते हैं स्मार्ट वर्क। बस अपने मेहनत कीजिए और बाकी जैसे हम लोग कर रहे हैं, हम लोग भी स्ट्रगल कीजिए और आगे बढ़िए। तो सो गाइस भैया से बात करके हमें काफ़ी अच्छा लगा, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करना, कमेंट में अपना राय देना, भैया को मतलब थंबनेल में देख के कितने लोग इस वीडियो को क्लिक किए हो, कितने हमें देख के क्लिक किए हो, और जो भी राय हो आप जरूर बताना। तो भैया हम इसी साथ आपसे जाएंगे अलविदा, इस वीडियो को एंड किया जाए। तो बस इस वीडियो के लिए जय हिंद जय भारत।